मैं पहले आपको अपने कॉलेज के बारे में बताता हूँ। जैसे IIT वगैरह जाना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, यानी अगर आपको 4 साल बाद पैकेज चाहिए, आपका मेन फोकस है आपको अर्निंग ज़्यादा करना है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहता है IIT। और IIT में ऐसा आपको 4 साल के बाद करने के लिए लग ही जाते हैं नंबर, और IIT में पढ़ना थोड़ा कम पड़ता है, बस आपको यानी प्लेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। लेकिन IIC ऐसा है, अगर आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कोई सब्जेक्ट हो गया आपका फेवरेट मैथ्स, या आपको कुछ रिसर्च करना है, आपको खुद के रिसर्च पेपर अपने सबमिट करना है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके जैसे आपको कुछ काम करना है, तो ये इसके लिए जाना जाता है IIC। इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अगर आपको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज रहेगा IIC। जैसे मैंने IIC सिलेक्ट करा क्योंकि मेरा बचपन से ही वही एम था कि मुझे फिजिक्स में ज़्यादा रिसर्च करनी है इसलिए। और जैसे सर ने बताया IIC में टोटल 45 डिपार्टमेंट्स है, न्यू IIT में 780 होते हैं, और ओल्ड IIT जैसे बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, 20-22 के आसपास है। और जैसे सब्जेक्ट्स हो गए IIC में, आप सारे सब्जेक्ट में रिसर्च कर सकते हो, जैसे फिजिक्स में भी मल्टीपल सब्जेक्ट है, एस्ट्रो फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपको जो रिसर्च करना है आप उन सब में रिसर्च कर सकते हो। और अभी बात आती है, अभी आपके ऊपर बात करते हैं, जैसे आपको जो सवाल है पूछिए आपको पढ़ाई से रिलेटेड। नहीं, अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको कुछ सोचने मिलेगा, आपको कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन अच्छा है ये सब, यानी रिसर्च यानी इंटरेस्ट से सोचना गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंटरेस्ट से सोच सकते हो, यानी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, जैसे मेरा ऐसा था, मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ता था तो मेरा सब जल्दी हो जाता था, और मुझे उतना बर्डन कभी नहीं आता था कोई भी सब्जेक्ट का, और नींद वगैरह की प्रॉब्लम ऐसा नहीं होती थी। और एक चीज़ ये है कि मैं मॉर्निंग स्टडी ज़्यादा करता था। मैं आप सबको भी एडवाइस करूँगा कि आप मॉर्निंग स्टडी ज़्यादा मैक्सिमम करिए। मेरा ऐसा है, मैं समर के टाइम पर तो 4 बजे उतरता था पढ़ने के लिए, और विंटर हो गई तो 1 घंटा लेट, यानी 5 बजे से मेरी स्टडी चालू हो जाती थी। और जैसे मैं सबसे पहले उठा, सबसे पहले मैं पढ़ता था केमिस्ट्री में भी NCERT। अगर आप सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री बनाते हो यानी कुछ सोल्व करते हो, तो सबसे पहले आप एक काम करो, NCERT पढ़ते जाइए, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है NCERT पढ़ो, उसके बाद सब कुछ जो मॉड्यूल वगैरह मिलते होंगे तुम्हें, या जो भी तुम रेफरेंस बुक बनाते हो, जैसे NMST हो गया, MS-1 हो गया, ये सब बात की चीज़ें। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है NCERT। फिजिक्स मैथ्स में भले ही आप NCERT इग्नोर मारो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में अगर NCERT के बिना कुछ नहीं होगा। मेरे टाइम पे ऐसा था, मेरा केमिस्ट्री मेरे मेंस के पेपर में 20 मिनट में मेरा केमिस्ट्री हो गया था। उसके रीज़न ये है कि मेरी NCERT बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेरे सारे शॉर्ट नोट NCERT से ही बने थे, मैं रोज़ अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, और NCERT यानी मेरे एकदम दिमाग में छप गई थी। तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे आते हैं ना मेंस के टाइम पे, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, आपको कॉपी में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यानी प्रॉब्लम स्क्रीन पर आया देखते ही आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, ऐसा है अगर आपका NCERT स्ट्रॉन्ग हो तो। यानी NCERT के बिना कुछ नहीं हो सकता केमिस्ट्री में। और फिर जैसे सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स में सबसे गॉड गिफ्टेड बुक मानी जाती है एच सी वर्मा बनाई है। अगर आपको और ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम बनाना है, अगर आपका HC वर्मा बन जाती है, तो बुक आती है सेंगेज, फिजिक्स की सेंगेज बुक बनाई है। और मैथ्स में तो सेंगेज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में तो NCERT ने पूरी इग्नोर मारी है, यानी मैथ्स में कुछ है नहीं NCERT में। यानी एक बार सेंगेज बनाओगे तो आपका मैथ्स NCERT ऐसा 1 घंटे में पूरी बन जाएंगी, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर हो गया 1 घंटे में पूरा। मैथ्स में कुछ भी नहीं है NCERT में। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो अभी से बनाना चालू करो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। भले ही आपको आज यानी इंपॉर्टेंस ना समझ में आए, लेकिन जैसे तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया, जैसे हर सब्जेक्ट में 30-30 चैप्टर है, अब तुम पूरी बुक तो पूरा पढ़ने सकते पूरा रिवाइज करने के लिए, तो इस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत काम में आते हैं। वो शॉर्ट नोट्स ऐसा खुद से बनाओ, दूसरे से मत छपो, या कोई किसी और अपने दोस्त से यानी उसके मत छपो, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि उसका रीज़न तो ये आपने खुद से बनाया हो, या आपने खुद ने सारा पढ़े हो खुद से बनाए हो। और ये बहुत तब काम में बहुत आते जब आपके फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाए, क्योंकि ऐसे जब आपका FSC चालू होगा तो हर हफ्ते आपको 2 या 3 टेस्ट तो देनी पड़ेंगी, तो आप पूरा बुक तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यानी शॉर्ट नोट्स सभी से बनाना चालू करो, अगर आप बनाते आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वही जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में ऐसा है, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स NCERT से बनाना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही NCERT है। और जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे जो जो रिएक्शन है वो सारी एकदम छाप देना अपने शॉर्ट नोट्स में, एक्सम्पशन के साथ और रिएजेंट के साथ, ये बहुत काम में आएगा आपको बाद में। और इनऑर्गेनिक में भी सेम, NCERT से ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो जो आपको लगता है कि आप यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ सकता है, वो सब आप डाल सकते हैं। एक्सेप्शंस भी डालना केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंटली। और शॉर्ट नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सेम, फिजिक्स में ऐसा है जो भी आपको क्लास में फॉर्मूला वगैरह लिखा है एक सब लिख जाना अपने शॉर्ट नोट्स में। डेरिवेशन ऐसा है थोड़ा सा आइडिया लिखो बस कैसा डिराइव हुआ था, डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं होगा। फिर एग्जाम्पल्स वगैरह मत डालना शॉर्ट नोट्स में, सब वो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऐसे 11 के स्टार्टिंग से थोड़ी ज़्यादा थी, यानी 8 घंटे के आसपास तो थी, और वैसे 12th में भी सेम 10 घंटे से यानी 10 के आसपास। हाँ
जैसे कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो सबसे पहले काम है मैं अपने शॉर्ट नोट्स में ढूंढूंगा कैसे बनते कैसे नहीं, शॉर्ट नोट्स में भी नहीं मिला तो यानी बुक में ढूंढूंगा मैं कैसे है क्या नहीं, उसके बाद मैं अगर डाउट वगैरह जाऊँगा और शॉर्ट नोट्स बनाते चले, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे, यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो शॉर्ट नोट्स है। हाँ बोलो क्या आवाज़ नहीं आई कहीं में, किस चीज़ किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट? देखो सबसे पहले आप बताइए आप एनसीईआरटी बनाते हो या नहीं, यानी एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको सिमिलर क्वेश्चन तो दिखना चाहिए आपको, कोई भी टेस्ट हो गया एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आते हैं, आप पीवाई क्यों बनाए? एनसीईआरटी पढ़ ले तो केमिस्ट्री अपने आप स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। और बात आई फिजिक्स की, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको डेरिवेशन को समझना, टॉपिक को समझना, और आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको वही एकदम आसान जाएगा। और एक चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, अगर आप सेम जैसे आप आपका ये होना चाहिए कि आपका कल आने वाला कल आज से बेहतर हो, ये मेंटेलिटी रखिए आप, तो सब कुछ अपने आप अच्छा ही रहेगा। और मैथ्स सब्जेक्ट आया मैथ्स, मैथ्स में ज़्यादा मेहनत लगती है, मैथ्स ऐसा है मार्क कम भी आए तब भी ज़्यादा परसेंटेज बनती है, जैसे मैथ्स में 50 मार्क आए तो जो परसेंटेज आपकी मैथ्स में 50 मार्क में बनेंगी सेम परसेंटेज आपके केमिस्ट्री में 80 या 90 मार्क में बनेंगी, ऐसा है मैथ्स। तो मैथ्स टफ आता है, मैथ्स को आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, तो मैथ्स में वही सेंगेज बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंगेज पूरी बनाइए, सेंगेज हो गया उसके बाद आप ब्लैक बुक या पीवाई के उसमें हाथ लगा सकते हैं, ऐसा अपने टेस्ट के बाद बनाइए, आप घर जाके बनाइए या अगले दिन बनाइए, लेकिन उसको सॉल्व कीजिए जो आपके सफल नहीं बने, उससे भले आप अभी फ़ायदा नहीं दिखे लेकिन आपको लास्ट में फ़ायदा दिखेगा जब आपका फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपके यानी ऐसे कोई भी रैंडम कहीं से भी सवाल आ सकता है फुल सिलेबस टेस्ट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सवाल आपने नहीं बनाए वही सवाल वापस रिपीट हो गया, तो इसलिए आप बनाइए जो सवाल यानी जो टेस्ट में नहीं बनाए वो बाद में बनाइए, भले एक दिन बाद बनाइए तो टेस्ट होने के घर चले जाऊँगे सेल्फ स्टडी करूँगी तब बनाइए, लेकिन उसको अटैम्प्ट दीजिए एटलीस्ट। कॉलेज कैसा है, कॉलेज तो ऐसा है सुंदर, बहुत सुंदर कॉलेज है मेरा, डिपार्टमेंट्स तो 45 है, यानी न्यू आईआईटीज में तो वैसे 20-22 के आसपास होते हैं और ओल्ड आईआईटीज में सिर्फ 7 या 8 इतने होते हैं बस, हमारे इसमें उससे दुगने से भी ज़्यादा, नए आईआईटी से तो 6-7 गुना ज़्यादा ही है हमारे इसमें डिपार्टमेंट्स। और हमारे ऐसा है हमारी क्लासेस भी यानी पूरा एकदम ग्रीनरी है कैंपस में, एकदम सुंदर जगह है, पूरा माहौल भी एकदम ठंडा रहता है, लाइफ तो बहुत अच्छी है हॉस्टल में, एक तो पहली बार हॉस्टल लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन ऐसा है पढ़ने सब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अच्छा है रखता है उनके साथ रहकर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अगर मेहनत करेंगे तो आपको भी ऐसी लाइफ मिलेंगी। तो आज भले तुम्हें मोटिवेशन आ जाए लेकिन जो डिसिप्लिन है आज मोटिवेशन होगा कल नहीं होगा, जो कल तुम्हारा होगा वो डिसिप्लिन होगा तुम्हारा, तुम्हारे अंदर कितना डिसिप्लिन है वो दिखेगा तुम्हारे अंदर। मोटिवेशन है टेम्पररी, एक दो दिन रहता है बाद में नहीं रहता, बाद में जो दिखता है अपना डिसिप्लिन दिखता है कि आपके अंदर कितनी डिसिप्लिन है, आप कितना यानी कितना आपको अपनी सीट प्यारी है, कितना डेडिकेटेड हो अपने एम के लिए, बाद में आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन है बस। एनसीईआरटी सॉरी फिजिक्स के, फिजिक्स में एचसी वर्मा पढ़ी है, फिजिक्स में यानी एचसी वर्मा बहुत प्यारी थ्योरी लिखी है, उसकी समझने की कोशिश की है, बस थ्योरी नहीं समझी तो कोई सर के पास चले गए, भाई लैंग्वेज ऐसा है थोड़ी है हार्ड, लेकिन अगर नहीं समझा तो आप सर के पास जा सकते हैं, लेकिन उसको मल्टीपल पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप रियल एग्जांपल रियल लाइफ में देखिए आपको कहाँ यूज़ हो रहे हैं सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, तो ज़्यादा समझेगा। फिजिक्स के लिए मैं एचसी वर्मा यूज़ किया हूँ, सेंगेज यूज़ किया हूँ, और जो मॉड्यूल वगैरह मिलते हैं डीपीपी वो सब तो बनाता ही था मैं, और पीवाईक्यूज जैसा है आखिरी के 4 महीने में तो बहुत टाइम मिलता है पीवाईक्यूज बनाने के लिए, जो आपका सिलेबस हो गया सितंबर अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर के हो जाएगा खत्म, तो पीवाईक्यूज के लिए तो बहुत टाइम मिलता है बनाने के लिए ऐसा है। और फिजिक्स में सेंगेज तभी बने अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है स्टार्टिंग से, और अगर आप एचसी वर्मा मॉड्यूल वगैरह सब बना लेते हो तो सेंगेज को हाथ लगाइए, नहीं तो सेंगेज अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी लेवल की नहीं है तो अभी जरूरी नहीं आपको हाथ लगाना, तो एचसी वर्मा पे ही रहेगी अभी सॉल्व की, एचसी वर्मा में यानी बहुत अच्छे सवाल है उससे बंद हो जाएगा आपका, यानी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी एचसी वर्मा से, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से बहुत अच्छी चल रही है तो आप हाथ लगा सकते हैं यूज़ कर सकते हो आप सेंगेज बुक। और केमिस्ट्री में तो कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, बाद में सब कुछ मॉड्यूल वगैरह सब सेकेंडरी, प्राइमरी आपका होना चाहिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। और सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी ऐसा है आपका जैसे मेंस का पेपर आएगा 20 से 30 मिनट में आपका बन जाएगा केमिस्ट्री, मैक्सिमम टाइम 1.5 घंटा लगता है मैथ्स में क्योंकि मैथ्स होता है डिफिकल्ट और मैथ्स होता है लेंदी, फिजिक्स भी ऐसा है 1.5 घंटा से 1 घंटे में बन जाता है फिजिक्स ऐसा। फिजिकल क्या नहीं फिजिकल, देखो मेंस में ऐसा होता है सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं इनऑर्गेनिक में, फिर ऑर्गेनिक, फिर तीसरे पे आता है फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में बस थोड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं
अरे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बस फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करना है, इधर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ऐसा आएगा बस आपका सवाल देंगे स्क्रीन में, आप देखते बना लोगे अगर आपने एनसीईआरटी यानी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो, क्योंकि एनसीईआरटी में कैसा एकदम कॉपी पेस्ट करके सवाल आ जाता है, जो एकदम लाइन दिखी वही उसको कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अगर आप पीवाई क्यूज बनाते हो तो आपको देखा होगा एनसीईआरटी पढ़ के आप पीवाई क्यूज बनाइए आपको समझ जाएगा। तुरंत देखते ही बन जाएगा, पेपर में कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे 5-6 सेकंड में आपका सवाल बन जाएगा देखते ही, ऐसा कॉपी पेस्ट सवाल आते हैं बस। मेरा भी ऐसा, मेरा 20 मिनट में पूरा केमिस्ट्री हो गया था सॉल्व मेरे टाइम पे। मैथ्स में देखो, मैथ्स में सबसे पहले जो मुझे मॉड्यूल मिलते थे ना, यानी सबसे पहले मैं क्लास नोट्स और क्लास कॉपी को भी अच्छे से पढ़ता था खुद के, क्लास नोट्स फिर जो यानी मॉड्यूल मिलते थे पहले मैं वो बनाता था, फिर उसके बाद संगेज में ऐसा पूरे इलस्ट्रेशन यानी इलस्ट्रेशन बनाते थे, एटलीस्ट देख लीजिए क्योंकि इलस्ट्रेशन में तो सॉल्यूशन भी आपके सामने ही है, तो इलस्ट्रेशन आप बनाएंगे तो आपका दिमाग उससे बहुत फास्ट हो जाएगा। और फिर बाद में हो गया लास्ट बैक एक्सरसाइज, तो इलस्ट्रेशन के बाद में बैक एक्सरसाइज बनाता जो संगेज में बैक एक्सरसाइज थी वो। पीवाई क्यूज का ऐसा है अभी आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो आखिरी के 4 महीने में आपका बहुत टाइम मिलता है पीवाई क्यूज बनाने के लिए, सब बन जाते हैं पीवाई क्यूज आखिरी में, तो पीवाई क्यूज का भी उतना टेंशन नहीं रहे। नहीं ऐसा है मेरे टाइम में मैं तो कभी पार्टी में तो कभी गया ही नहीं था 2 साल तक अपने, जब से मेरी प्रिपरेशन चालू हुई थी दोस्ती यारी मेरी थोड़ी कमी थी यानी मैं खुद पर यानी ज़्यादा टाइम देता था खुद के ये सब बातों को, मैं कभी बीच में कभी घूमने गया ही नहीं था मेरा कभी नहीं। मैं अकेला आता था ऐसा है, मैं कभी किसी के साथ नहीं, मैं एकदम अकेला। बोर्ड के लिए आपने पढ़े थे? बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने, बोर्ड में आखिरी के यानी ऐसा है आप जो प्रिपरेशन करो बोर्ड एकदम चिल्लर है, बोर्ड का कोई टेंशन नहीं रहेगा एकदम फ्रीली। मेरा ऐसा है मेरा जेई का एग्जाम हो गया उसके बाद मैंने पढ़ना चालू किया था बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स का नहीं टेंशन, आप जेई करो जेई पे ध्यान दीजिए, बोर्ड्स का एकदम आखिरी में। मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट ऐसा है, मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन, वो मैंने आखिरी 3 दिन में पढ़ा था, जब पेपर थे उसे 3 दिन पहले मैंने चालू किया था पढ़ना ऐसा है। हाँ और एक चीज़ याद रखिए, जो आपका जनवरी अटैम्प्ट है ना उसको भी अपना फाइनल अटैम्प्ट मान के चलिए, क्योंकि अप्रैल अटैम्प्ट में ऐसा होता है बोर्ड्स वगैरह सारी एग्जाम हो जाती है, तो अप्रैल अटैम्प्ट में सबकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो उसमें ज़्यादा मार्क्स लगते हैं सेम परसेंटाइल के लिए, तो भले ही आपको ऐसा लगे कि आपके जनवरी के बाद ज़्यादा प्रिपरेशन है थोड़ी, लेकिन वो सबके साथ है क्योंकि ना बोर्ड्स था ना पहला अटैम्प्ट भी हो गया तो सबको ज़्यादा टाइम मिल जाता है अप्रैल के लिए, तो जनवरी अटैम्प्ट भी आपका लास्ट अटैम्प्ट है, ऐसे प्रिपरेशन रखिए। ऐसा है आपके मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन आपकी परसेंटाइल नहीं बनेंगी, ये सही बात है, मैं ज़्यादा से सीखा था ये बात 100% सही है, आपके मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन परसेंटाइल नहीं बढ़ेंगी अप्रैल अटैम्प्ट में, ऐसा है यानी रियली किसी की बढ़ती है, तो जनवरी अटैम्प्ट भी आपका लास्ट अटैम्प्ट है ये मान के चलिए। वैसे हमारे बैच में देख लीजिए, हमारे बैच में किसी की परसेंटेज नहीं बनी थी अप्रैल अटैम्प्ट में, बस एक जन था रोहित छतरी, उसकी बड़ी थी 92 से 99 पे पहुंच गया था वो, बस एक जन था और कोई नहीं था। और क्वेश्चन है केमिस्ट्री में ऐसा है लो टू हाई जाइए कभी भी क्वेश्चन।